वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए बेहतरीन सूटों का एक व्लॉग लेके आया हूँ। इसके अंदर हमने 8 सूट तकरीबन बनाए और हर सूट के अंदर हमने कुछ नया किया हुआ है। तो आप ये देखें, इसके अंदर हमने गले के अंदर भी काम किया हुआ है, किसी के दामन में काम किया हुआ है। तो आप पूरी वीडियो वॉच करना। इसके गले में देखें, हमने लेस के साथ नेट के ऊपर कितना ज़बरदस्त तरीके से काम किया हुआ है, और इसके अंदर गले में भी काम किया हुआ है बटनों के साथ। तो मैं एक एक सूट के बारे में तफसील बाई तफसील आप लोगों को पूरा इसके बारे में हर सूट के बारे में समझा दिखाता हूँ। तो आप लोग देखें और उससे अपने आइडियाज़ ले सकते हैं अपने सूटों के डिज़ाइन की। तो मैं आपको एक एक के बाद एक सूट दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, हमने सेंटर में एम्ब्रॉयडरी पीस लगाया है, इसके साइड पर सेंटर लेस लगाई है। सेंटर लेस लगाने के बाद हमने इसके अंदर नेट कॉटन नेट के पीस को जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा ये पैनल वाला पीस तैयार हुआ है, कलियों वाला। गले के अंदर हमने लेस का और एक बॉर्डर का यूज़ किया है, ठीक है। ये दोनों लेसों का यूज़ किया है। अब हम इसकी स्लीव्स दिखाते हैं आपको। स्लीव्स के अंदर हमने क्या किया है ये देखें, मैं इसमें हाथ डाल के दिखाता हूँ। ये देखें, स्लीव्स के अंदर हमने ये डिज़ाइन बनाया। उसके बाद हमने ये नेट का एक बॉर्डर है लेस की तरह का, ये यूज़ किया है। और उसके बाद हमने पट्टियों का यूज़ किया है, ठीक है। ये पट्टियाँ हमने इसमें 3-3 पट्टियाँ लगाई हैं, हर अलग अलग कलर की रिंग बनाए पट्टियों के। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई। अब हम इसका दामन दिखाते हैं आपको। इसके दामन के अंदर हमने एक बड़ा चौड़ा एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर यूज़ किया है, जो नेट के ऊपर उसके ऊपर काम हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने दामन के अंदर ये 3-3 रिंग लगाए। तो ये हमारी एक शर्ट तैयार हो गई। अब मैं आपको सेकेंड शर्ट दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये हमारा ये पिक्चर है, ठीक है। हमने इस पिक्चर के हिसाब से इसको कॉपी किया डिज़ाइन को। तो मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ इसका, हमने डिज़ाइन में क्या क्या किया, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने सेंटर में एम्ब्रॉयडरी पीस लगाया है और साइड पे सेंटर लेस लगाई है। सेंटर लेस इसमें डिज़ाइन वाली लगाई है, ठीक है। उसके बाद हमने गले के अंदर ये हाई नेक स्टाइल में गला बनाया, स्काली वाली एक लेस ले ली है, ठीक है। ये भी नेट के ऊपर बनी हुई है, लेस हमने इसके ऊपर घुमा दी है। और बाकी इसके ऊपर बहुत प्यारा एक वर्क वाला काम वाला पीस लगाया है इसके अंदर, ठीक है। ये लेस के अंदर मिल जाता है आपको बना हुआ मार्केट से, तो आप ये लगा सकते हैं लेके मार्केट के अंदर से, ठीक है। अब हम इसका आपके आइस्टीन दिखाते हैं। आइस्टीन जो है ये ऑर्गेन्जा के ऊपर बनी हुई है पूरी आइस्टीन, और इसके साइड पैनल भी ऑर्गेन्जा पे बने हुए हैं। स्लीव्स के ऊपर ये इसका एम्ब्रॉयडरी वाला पीस निकला था, ठीक है। हमने ये डाल दिया यहाँ पे। ये जो गले में आपको दिखाई थी मैंने पट्टी लेस की तरह की जो बनी हुई थी, ये पट्टी लगाई है। और उसके बाद हमने प्लेटें देखे, इस पर बोल वाली एक पीस लगा दिया है, ठीक है। इस पर थोड़ी ये बोले लगी हुई हैं, सही है। और इसके अंदर हमने एक पट्टी घुमा दी है। तो ये हो गया हमारा, स्लीव्स हो गई। अब आपको दामन दिखाते हैं। दामन भी हमने इस तरीके से तैयार किया है। इस पर एप्लिक करवा के हमने नीचे से ये पीस जोड़ दिया है दामन का, और ये नीचे एंड में इसके हमने कटवर्क करवा दिया है। ये देख लें आप, नीचे से इसके कटवर्क हो गया है। तो ये हमने दामन तैयार कर दिया, चाक दामन में हमने पाइपिंग लगा दी और पीस में तुरपाई कर दी। तो ये हमारी पीस शर्ट कम्प्लीट हो गई है। अब मैं आपको सेकेंड शर्ट दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये पीस हमारा शेफून के ऊपर बना हुआ है। ये इसका पीस का ये वो है पेपर इसका, ठीक है। इसके आप इसका नाम देख सकते हैं, इसका नाम भी लिखा हुआ है। तो ये अब हम इस पीस के बारे में आपको बताते हैं कि हमने इस पीस के अंदर क्या क्या किया, और इस पीस को कम्प्लीटली दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये देखें आप, गला देख लें आप। गले के अंदर हमने इसमें क्या काम किया है, एक पट्टी लगाई है, सादी पट्टी लगाई है। इसके बाद किंगरी वाली लेस लगाई है, ठीक है। और ये हम बिल्कुल काम के हिसाब से हमने इस पीस को उतारा है ऊपर से लेके नीचे तक। अब आप इसकी स्लीव्स देख लें दोस्तों। इसकी स्लीव्स कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखें। ये पूरी बेल बॉटम स्टाइल में आ रही है, पूरा नीचे से इसका गोल स्टाइल में घूम रहा है और यहाँ पे से ऊपर की तरफ जा रहा है इसका कट। तो ये बहुत प्यारी स्लीव्स इसकी हमारी कंप्लीट तैयार हो गई है। इसके दामन को देख लें आप। दामन में और चाकों में हमने इस पर फिनिशिंग पट्टी दी है और तुरपाई कर दी है, डोरी पाइपिंग लगाई है, ठीक है। चाक दामन के अंदर ये देख लें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा इसका दामन। और यहाँ पे हमने किंगरी वाली लेस से इसके एंड का पट्टा जोड़ दिया है। तो ये हमारा पीस तैयार हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट पीस दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये पीस का इसका कैटलॉग देख लें, इसका नाम देख लें, ठीक है। स्टॉप करके भी देख लेना अगर आप। मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ क्योंकि वीडियो लंबी नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। तो आप ये पेपर स्टॉप करके भी देख सकते हैं नाम इसका। तो अब इस पीस के बारे में आपको दिखा देता हूँ मैं। इसके कैटलॉग मैंने आपको दिखा दिया, अब ये पीस दिखाता हूँ इस पीस के अंदर हमने क्या किया है। तो ये देखें, इसका गला तो वैसे ही बना हुआ है, ठीक है। तो हमने उसको उसी तरीके से जो कंपनी ने दिया था हमने पलट दिया। टिशू का पीस है दोस्तों इसके अंदर, पूरा पीस ये टिशू का। इसके दामन के ऊपर ये एप्लिक करवाया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके चाकदामन में पाइपिंग लगा दी है। तो ये पीस भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये सारे पार्टी वेयर के हिसाब से पीस दिखा रहा हूँ मैं आपको इसके अंदर सारे। तो ये देखें, स्लीव्स इसकी हमने ये इस तरीके से तैयार की हुई है। बाकी ये इसका मोटिव जो दिया था हमने, इसके मोटिव को इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी से लगवा दिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पीस दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये शेफून पीस के ऊपर हमने ये पीस बनाया है, ठीक है। इसके ऊपर ये वर्क भी हुआ है, मोतियाँ वगैरह लगी हुई हैं, और इसमें मशीन का वर्क हुआ है। तो इसके दामन है ये हमने फिराकी स्टाइल में बनाया है। तो
तो ये आपको पहले ये गला वगैरह देख लें, इसके गले में मोतियों का पल्स का काम हुआ है और मशीन का काम हुआ है। ठीक है, स्लीव्स इसकी नेट की है, ये देखें आप, इसकी स्लीव्स के ऊपर भी बहुत प्यारा काम हुआ है और स्लीव इसकी हमने बेल बॉटम स्टाइल में ली है। अब हम आपको इसका दामन और चाक वगैरह दिखा देते हैं। दामन पे और चाक पे हमने लेस लगाई है, बिल्कुल छोटे छोटे चाक बनाए, फराग स्टाइल में हमने इस पीस को कम्प्लीट किया है अपना। तो ये छोटे से चाक बनाए और दामन इसका एल लाइन दामन है, तो इसके ऊपर हमने एक पतली सी लेस लेके लगा दी है, तो ये बहुत ही प्यारे लग रहा है और पीछे फिनिशिंग पट्टी दे दी है। तो ये हमारा पीस बन गया है, पीस अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट पीस दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये सना सफीनास का पीस है, ये इसके अंदर ये आपको ये पीस के अंदर हमारे को ये पीस डिज़ाइन मिला है। अब मैं आपको इसके डिज़ाइन के बारे में दिखा देता हूँ हमने क्या बनाया। ठीक है, ये देखें, ये हमने इसके गले के अंदर पीस बनाया, ऊपर छोटे छोटे मोटी फैब्रिक की मदद से लगवाए और ये हमारा ये गला कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये नेट के ऊपर पीस था सना सफीनास का, हमने आपको इसका पेपर दिखा दिया, आप पेपर के ऊपर देख सकते हैं और अगर आपको परचेस करना हो तो आप आराम से परचेस भी कर सकते हैं। बाकी दामन के अंदर एक पतली सी पट्टी लगा दी है बढ़ती हुई, चाकू के अंदर हमने फिनिशिंग पट्टी दे दी है। ये अस्तर वाला पीस है, बहुत प्यारा पीस लग रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट पीस दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, इसके चाक दामन के अंदर कितना ज़बरदस्त हमने कितना सारा काम किया हुआ है। तो पहले मैं आपको इसे चाक दामन नहीं दिखाता, इसका गला वगैरह दिखाता हूँ, इसके गले के अंदर किस तरीके से काम किया है, साइडों के पैनल पे किस तरीके से काम किया हुआ है, ये आपको सब दिखाते हैं हम पीस। इसके सेंटर में हमने एक एम्ब्रॉयडरी वाला पीस लगाया है, साइड के ऊपर भी एक एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है, मगर ये नेट स्टाइल के अंदर है, मगर ये कॉटन के ऊपर है। ठीक है, और इसकी स्लीव्स दिखा देता हूँ। इसकी स्लीव्स पे क्या किया हुआ है, हमने ये टिशू के पट्टे का वर्क लगाया है इसके अंदर, और इसके ऊपर भी हमारा काम हुआ है, ये हमने एप्लिक करवाया है। ठीक है, स्लीव्स के अंदर ये बाकी ऊपर का कॉटन का है, नीचे का टिशू का पट्टा है जिसपे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये आपको मार्केट से मिल भी सकते हैं आसानी के साथ। इसी तरीके से हमने दामन के अंदर काम किया, इसके अंदर एक वर्क वाला पट्टा लगाया है कॉटन का। ठीक है, उसके बाद हमने ये टिश्यू वर्क लगाया, उसके बाद हमने ये कॉटन पट्टा लगाया और नीचे हमने इसके स्कैलिप की तरह कटिंग कट वर्क करवा दिया है। ठीक है, चाकू के अंदर हमने ये देखें आप, ये जो पट्टियाँ लगाई हैं और चाकू के अंदर बाद में फिनिशिंग पट्टी पलट के हमने इसमें तुरपाई कर दी है। तो ये हमारा बहुत प्यारा पीस तैयार हो गया। अब मैं आपको लास्ट पीस दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये हमारा आखिरी पीस है और बहुत प्यारा पीस है। तो आप इसके बारे में तफसील से मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले इसका गला देखें, बॉडी के ऊपर कितना खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला काम हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे से फूल बने हैं और ये नेट के ऊपर हुआ है, और ये गले के अंदर हमने ये पीस इसके मोटिव लगाया है। ठीक है, ये मोटिव गले के अंदर लगाया है। अब हम आपको इसकी स्लीव्स दिखाते हैं, स्लीव्स के एंड में भी हमने मोटिव लगाया और ये मोटिव के अंदर ये बहुत प्यारा सिल्वर कलर का काम हुआ है, इसमें नग लगे हुए, बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, और आस्तीनों के अंदर देख लें कितना प्यारा मोटिव बना हुआ है ये आस्तीनों के अंदर। और अब हम इसके दामन वगैरह आपको दिखा देते हैं। दामन ये फ्रॉक स्टाइल बनाया है, बिल्कुल इसके छोटे ज़्यादा घेर वाला फ्रॉक नहीं बनाया, नॉर्मल घेर वाला फ्रॉक बनाया है। और इसके दामन के अंदर हमने पाइपिंग लगा दी और फिनिशिंग कर दी है, बाकी दामन में इसके ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।